हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं बना रही हूँ पाव भाजी, और आप देख सकते हो कितने डिलीशियस बना है। तो मैं इसका रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं किचन में आ चुकी थी और ये मैं प्रेशर कुकर में बॉयल की हूँ गोभी, मटर और गाजर। तो ये बॉयल हो चुका है, ये कैप्सिकम है, ये अनियन है और टमाटो है। तो ये मैं तीनों डालूंगी इसमें। ये सब मैं चॉप कर चुकी थी, जो मिनी चॉपर है मेरे पास उसमें मैं ये सब चॉप कर चुकी थी। तो ये मेरा बॉयल हो चुका है, गोभी मटर आलू गाजर ये सब। तो मैं यहाँ कढ़ाई गरम कर रही हूँ ना, कढ़ाई में बना रही हूँ। तो उसमें बटर का स्लाइस डालूंगी मैं, बटर एक्चुअली पीस पीस करके रखती हूँ। तो ये चीज़ है, तो बटर का मैं स्लाइस डालूंगी इसमें। तो जब तक ये पिघलेगा मैं सारा मसाला ऐड करूँगी। फ़िलहाल मैं अभी जीरा डाल रही हूँ इसके अंदर। तो ये जीरा चटकने लगा है इसमें। जब ये चटक गया, देखिए बिल्कुल मेल्ट हो चुका है बटर। तो अभी स्टेज पे मैं सारा सब्जी वगैरह जो भी है सब मैं इसमें अप्लाई करूँगी धीरे धीरे। तो पहले मैं कैप्सिकम स्टार्ट करती हूँ। तो कैप्सिकम को मैं फर्स्ट में इसलिए डाल रही हूँ कि थोड़ा सा सॉफ्ट होने में टाइम ले लेता है, इसलिए। तो पहले मैं इसमें कैप्सिकम डाल दी, सॉफ्ट होगा तब तक हमारा। ये देखिए, आप भी जब भी बनाओ तो बटर में ही बनाना। और मैं इसमें अनियन डाली हूँ जिसे भी मैंने चॉप कर दिया था अच्छे से, और टमाटो को भी मैं चॉप कर चुकी हूँ। और जो मैं सब्जी बॉयल की थी प्रेशर कुकर में, तो नमक मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाल रही हूँ क्योंकि मुझे आगे भी यूज करना है। तो इसलिए बस मैं यहाँ पे इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ताकि ये सब सब्जी मेरा सारा सॉफ्ट हो जाए। अनियन, टमाटो, कैप्सिकम, ये तीनों मेरा सॉफ्ट होने के लिए मैं यहाँ पे नमक डाल दी हूँ। तो ये देखिए धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहा है। इस पे यहाँ पे थोड़ा सा चॉप की हुई थी जिंजर गार्लिक, वो भी डाल दिया। अब यहाँ पे टमाटो भी मैं अप्लाई कर चुकी हूँ। तो जिंजर गार्लिक जो है उसको मैं पीसी नहीं थी, बस चॉप की थी। तो टमाटो भी यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब सारा मेरा सब्जी सॉफ्ट हो जाएगा। इसको सॉफ्ट होने में 5 से 6 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए, तब तक मैं इसमें थोड़ा सा और नमक ऐड कर दूँगी। जो नमक अब मुझे डालना है मैं वही नमक अभी यहाँ पर डाल रही हूँ लास्ट में। पहले मैं थोड़ा सा डाली थी, तो अभी ध्यान रखना। अब यहाँ मैं काश्मीरी मिर्च यूज़ कर रही हूँ कलर के लिए। कलर के लिए मैं यहाँ पे काश्मीरी मिर्च यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब मैं सारा मसाला ऐड करूँगी। तो पहले मैं धनिया हल्दी पाउडर डालूँगी। तो कलर के लिए इसे डालना है, तो मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, कम ज़्यादा आप कर सकते हो। ये जो मेरा बॉयल किया हुआ सारा वेजिटेबल था, इसे मैंने चॉप कर लिया था हैंड से ही। तो एक्चुअली मेरे पास वो नहीं है, चॉपर नहीं है, मैस करने का जो आता है वो नहीं है मेरे पास। तो ये मैं सब मैस कर चुकी हूँ। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी सब में। मसाला अब इसमें कुछ नहीं पड़ना, हल्दी, नमक और काश्मीरी मिर्च बस। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी ऊपर नीचे। अब देख रहे हो कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है इसका। सारा मिक्स करके इसे लीड लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दी, तब तक ये सारा सब मसाला के साथ पक जाएगा। पक चुका है, तो मैं इसमें खड़ा मसाला वो मटर डाल रही हूँ बस ऊपर देखने के लिए। तो ये मैं खड़ा मटर यूज कर रही हूँ इसमें। ये मेरा डालने का प्लानिंग नहीं था, बट मैं सोची डाल देती हूँ, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। तो ये मैं खड़ा मटर ये मैं डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला।
तो मैं पाव भाजी मसाला थोड़ा ज़्यादा यूज कर रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग यूज करना। ये देखिए, इसे भी मैं अच्छे से मिक्स करके तो ये मेरा मिक्स हो चुका है सांभर मसाला, अच्छे से पूरा मिक्स की हूँ मैं इसे। और अब मैं इसमें पानी डाली हूँ एक बॉल, तो मैं वो पानी इसमें ऐड की हूँ जिसमें मैंने वेजिटेबल को बॉयल किया था, वो पानी मेरा आरओ का ही था, तो मैं वो पानी इसमें ऐड की हूँ। तब ये थोड़ा सा गाढ़ा है, मैं बाद में और पानी डाली थी इसमें की थी, तो आप इसमें और पानी डालना बाद में, पहले इसे इतना में पकने दीजिए। देखिए मैं पानी डाली थी, अभी गीला हो चुका है, देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और अब मैं इसे धनिया पत्ते से थोड़ा सा मिक्स करके छोड़ दूँगी। अब यहाँ पे लीड में बंद कर दूँगी, तो ये मिक्स हो गया है धनिया पत्ता भी, तो ये मिक्स हो चुका है बहुत अच्छे से, देखने में अच्छा लग रहा है। गैस मैंने ऑफ कर दिया है फ्लेम, और अब मैं यहाँ फ्राई पैन चढ़ाई हूँ, तो मैं यहाँ पर फ्राई पैन में बटर डाली हूँ, धनिया पत्ता मैं पाव सेकूँगी। तो गैस आप लोगों को कैसा लगा मेरी रेसिपी, तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको भाजी का रेसिपी। तो चलिए गैस मैं मिलती हूँ फिर आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।